नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, भारतीय वायुसेना ने दशक का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति सिरसा में किया जारी और 2500 से 4000 किलोमीटर के लक्ष्यों पर साधा सटीक निशाना। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, 5 दिवसीय स्वीडन और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से भी करेंगे मुलाकात। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, विवादों में घिरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिशें, भाई भतीजों को जज बनाने के लिए जजों ने की सिफारिश और पीएमओ ने आईबी को दिया जांच करने का आदेश। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल होने महू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले 14 का अंक हमारे लिए है बहुत ही सुखद क्योंकि मुझे 14वें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला और 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म स्थल पर पहला राष्ट्रपति के तौर पर पहुँचने का मौका भी मिला। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, अंबेडकर जयंती पर दलितों संघ 5-स्टार होटल में रविशंकर ने किया भोजन, जबकि दलित बस्ती में खाने का था प्रोग्राम। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, इलाहाबाद के शिवकुटी मोहल्ले में लोगों ने लगाया पोस्टर, भाजपा नेता और कार्यकर्ता का आना है मना क्योंकि यहाँ रहती है महिलाएं और बच्चियाँ। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, 103 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से अमेरिका ने किया सीरिया पर हमला और रूसी आर्मी ने कहा कि 71 मिसाइलों को सीरिया ने मार गिराया। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट के विवादित मामलों को उठाने वाले जस्टिस चेलेमेश्वर ने एक बार फिर से कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अति आवश्यक है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, राम जन्मभूमि के पक्षकार रामदास वेदांती ने कहा कि अगर 6 दिसंबर तक राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो 14 अप्रैल 2019 को प्राण त्याग दूंगा। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, कठुआ और उन्नाव मामले में शोर मचाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस से भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा कि निर्भया मामले में कहां छुपकर बैठे थे, जवाब दो। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, उन्नाव में एक और महिला के साथ हुई बदतमीजी और महिला ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पार्षद ने उनके साथ किए घिनौने काम। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि CGSH के तहत 1 महीने के भीतर मेडिक्लेम का भुगतान करने के लिए समिति का गठन करे इस केंद्र सरकार। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, PCS परीक्षा 2015 में मॉडरेशन के नाम पर धांधली पर CBI ने घपले की आशंका जताते हुए 25 अभ्यर्थियों को किया चिन्हित और इस पर हो सकती है कार्रवाई। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगरिया को लगा कड़ा झटका, राघव रेड्डी चुनाव हारे और सदाशिव कोकड़े बने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रवीण तोगरिया ने कहा, 17 अप्रैल से अहमदाबाद में करूंगा अनशन। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, सोना हुआ 32,000 के पार और इस बार अक्षय तृतीया पर महंगे से महंगा बिकेगा सोना। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, सारा खान ने सेल्फी नहीं ली तो फैंस ने ट्विटर पर निकाला गुस्सा। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, बॉक्स ऑफिस पर बागी 2 हुई 150 करोड़ के पार और बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, विवादों में घिरे कॉमेडियन कपिल शर्मा, बोले कि गालियां देकर निकालता हूं अपने दिल का भरास। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, कॉमनवेल्थ गेम के समापन पर भारत का स्वर्णिम सफर भी हो गया समाप्त और 26 गोल्ड 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज सहित 66 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा भारत। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, IPL में KKR को 5 विकेट से पटखनी देने के बाद अंक तालिका में नंबर 1 पर पहुंचा सनराइजर्स हैदराबाद। ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है
है घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।